हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोस। मेरा नाम है निखिल, ये है मेरा भाभी शेख। हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मीठी मीठी बाय अमृत मान एंड जैस्मिन सैंडलर्स। भाई काफी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, जब ये नंबर 2 ट्रेंडिंग पे चल रहा था ना, तब से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इस पे करो, लेकिन 4 हफ्ते हो गए इस गाने को आए हुए और अब हम जाके रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई रिक्वेस्ट ही काफी ज्यादा थी और इतने ज्यादा गाने आ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि यार समझ नहीं आ रहा किस पे करें किस पे नहीं करें। और भाई आज मैं घर पे चेक कर रहा था, मैं सारे चेक कर रहा था और कम से कम भी अबव 100 सॉन्ग्स जो है वो पेंडिंग रिक्वेस्ट आई हुई है। यार इतने सारे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आए, यार आप खुद ही हिसाब लगाओ यार, दिन में अगर 3-3 भी हम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, 30 दिन तो लग ही जाएंगे यार। बिल्कुल, तो भाई थोड़ा सा सबर रखो, हम जरूर करेंगे। भाई कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि आप जस्ट लिसन पे करो, इस पे करो, यार अब क्या करें यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। लोग हमारी पूरी वीडियोस देखते नहीं है और बस रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, भाई पूरी वीडियोस देख लिया करो फिर जाके रिक्वेस्ट किया करो। और कोई कोई तो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इनको हमने कर दिया हुआ है, और जब हम बोलते हैं भाई देखो, उल्टा हमारे रास्ते हैं कि भाई कहाँ है, तो भाई फिर स्पेशल लिंक देना पड़ता है उनको कि भाई ये वीडियो है देखो आराम से। और भाई इस वीडियो की अगर बात की जाए तो जैस्मिन के ऊपर हमने कभी पहले कभी रिएक्ट किया नहीं, लेकिन मैंने जैस्मिन के गाने सुने हुए हैं। इन्होंने एंट्री की थी बोहेमिया पाजी की एल्बम में, एंट्री की थी इन्होंने और मुझे बहुत जबरदस्त आवाज लगी थी इनकी। तो भाई पहले देख लेते हैं फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। बारिश के फेक है लखां फिर नंगोरियां तू ही जच गई अखां नू, हुण तक सुन दे आया पर इश्क ना होया जट्टा नू, मित्रां नू कर गी क्लिक बली है सच्ची दा समक तेरी सिक बली है, लाइफ टाइम मित्रां नू बॉन्ड कर ला, तकदा बगानी नी गुजक बली है, तकदा बगानी नी अजक बली है, नरम जे हक गबरू है गबरू पर दिखी दिखी तू मेरा दोष ना, तू न्याणे आ जा बनके
सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा मेरे को, गाना काफी अच्छा लगा। सबसे अच्छी लाइन को ये लगी भाई कि काली काली गड्डी थे चिट्टी चिट्टी तू। नहीं एक्चुअली बात सच्चा है यार, जैस्मिन सैंडलर्स बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर लगती है मेरे को। यार मैंने सुना था कि गैरी नंदू से शादी होने वाली है इनकी, पता नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। तो बट मैंने सुना था कि ये टूट गई है शादी, मुझे कुछ खास पता है नहीं इनके बारे में। तो बाकी ये आई है तो बड़ी क्यूट है, बात वो नहीं है, बट इसके पीछे कत्ल होंगे ये थोड़ा डाउट है। नहीं भाई कत्ल भी हो सकते हैं, आप ऑब्वियसली इतनी सक्सेसफुल सिंगर है। बट ये लड़कों को समझना चाहिए कि आप लड़की के पीछे कत्ल मत करो। लड़की ने चल जाना कहीं और, तुम्हें चल जाना जेल में। हाँ सही बात है। अब वो गाना भी है ना एक ब्लैक डॉग गाना सुना होगा आप लोगों ने, मैंने सुना हुआ ब्लैक डॉग गाना। किसका गाना है पता नहीं, मैं सिंगर का नाम नहीं पता, बट उसमें क्या होता है कि वो लड़की की वजह से लड़ाई होती है और बंदे को गोली मार देता है, वो खुद जेल चला जाता है और फिर लड़की कहती है मैंने नहीं तेरे से करा। तो भाई ऐसा ही होता है टाइम। सही बात है, हमेशा ऐसा ही होता है भाई, जब तुम एक बार जेल में चले गए, जब तुम सक्सेसफुल हो गए, बस खत्म, सब कुछ खत्म। लड़की अगर चाहिए ना तो सक्सेसफुल होना पड़ेगा, गोन्याने वाले की तरह। वो गोन यार उसका पिंड है, उसके गांव का नाम है गोने आने वाला, मतलब गोन किसका, अमृत मान का पिंड। अच्छा, पिंड का नाम है ऐसे बोल, जैसे सिद्धू का मूसा पिंड है ना, तो उसे बोलते हैं सिद्धू मूसे वाला। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, अमृत गोने वाला। हाँ गोने आने वाला। अच्छा, उसके गांव का नाम है गोने आना या कुछ ऐसे होगा। हम सिंगर होने के तो हम क्या रखेंगे, और हम सिंगर बन ही नहीं सकते। क्या होता, बन भी सकते हैं यार, आज कोई कुछ ही बन रहा है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो को काफी ज्यादा पसंद आई, ये गाना काफी ज्यादा पसंद आया हमको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।